दोस्तों नमस्कार, आज जो हमने वीडियो लिया है वो टुल्लू पंप के ऊपर है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि जब टुल्लू पंप जाम हो जाता है तो उसको बिना बैडिंग बदले हुए, बिना ग्रीसिंग किए हुए, बिना किसी भी तरह की ऑयल प्रयोग किए हुए टुल्लू पंप को फ्री कैसे करेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही बारीकी से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे मोटर पे इस जगह जो पीछे वाला जो कैप है इस पे लिखा हुआ होता है वार्निंग के तौर पर कि किसी भी मोटर को हमेशा थोड़ा थोड़ा देर के लिए चलाते रहें, और ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका मोटर रखे रखे जाम हो जाएगा। ठीक है, इस पीरियड में आपको क्या करना है इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मोटर मेरे पास बनने के लिए आया, जो ही हमने कस्टमर से पूछा कि भाई ये जाम कैसे हुआ, चलते चलते अभी चल रहा था या नहीं चल रहा था, तो कस्टमर ने बताया कि साल भर से मेरा मोटर, यानी कि एक साल से मेरा मोटर रखा हुआ था। तो हमने इस मोटर को एक्सेप्ट कर लिया बनाने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये तरीका बता दूं, ताकि आप लोग भी अपने घर पे बैठे बैठे अपने हाथों से ही इस टाइप का प्रॉब्लम जब आपके साथ हो तो अपने हाथों से सॉल्व कर सके। तो चलिए हम बताते हैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसमें 220 वोल्ट करंट देना है आपको, फिर देखना है मोटर रनिंग कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम करंट दे करके सबसे पहले देखते हैं। हम करंट इसमें दे रहे हैं लेकिन ये मोटर आवाज़ कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था, तो इसको आपको खोल लेना है। नीचे वाला नट शायद जाम होगा, इसके लिए नहीं खुलेगा, हम इसे ऐसे मूव कर लेंगे। अब इसमें क्या देखना है दोस्तों, इसको खोलने के बाद में आपको इस ब्लेड को हाथ से नचा करके देखना है, तो ब्लेड नहीं नच रहा है, बस इतना ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ब्लेड को भी मूव करना पड़ेगा। देख लीजिए कि अब हम ब्लेड मूव कर लेते हैं, और ब्लेड मूव करने के बाद आपको इस तीनों नोट को बारीकी से सबसे पहले खोल लेना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस बैक वाले ढक्कन को हटा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बैक ढक्कन भी हटा दिया, और जैसा बैडिंग देख रहे हैं तो बैडिंग बहुत ही फ्री है। अब अंदर वाली बैडिंग की बात करें, अंदर वाली भी बैरिंग खड़ी है, आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको एक दो बार ऐसे रोटेट कर देना है। ठीक है, और रोटेट करने के बाद आपको फिर से इस मोटर, इसको ढक्कन को जैसे हमने खोला है सेम उसी प्रकार से इसको कस देना है। सिर्फ एक दो बार रोटेट करने से ही आपका बैरिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि मोटर नया होता है तो इतना जल्दी बैरिंग ख़राब होता नहीं है, वो रखे रखे बस यूँ ही जाम हो जाता है। तो उसको फ्री करने के लिए कंपनी भी बोलती है कि हमेशा थोड़ा बहुत रनिंग के लिए चलाते रहें, लेकिन वैसा आप लोग नहीं करते हैं, ये आप लोग की गलती है, इस कारण से ही आपका मोटर जाम हो जाता है। तो उसको फ्री करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ ढक्कन खोल करके एक दो बार मूव कर देना है, नचा देना है एक दो बार रोटर को, ताकि रोटर बिल्कुल फ्री हो जाए। अब देख लीजिए कि ये बिल्कुल फ्री हो गया है, अब ऐसे भी नच रहा है। अब देखते हैं इसको हम चला करके, इसके लिए आपको दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसमें पंखी को इसमें एडजस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इसको चला करके ये चलता है या नहीं। तो चलिए अब इसमें हम देते हैं 220 वोल्ट करेंट। मेरा मोटर बिल्कुल ठीक है और ढंग से काम कर रहा है, ये आप लोगों को भी शायद पता चल गया होगा। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम अगर आपके पास भी होता है तो आप अपने घर पे ही बैठे बैठे बहुत ही अच्छी ढंग से इसका रिपेयर खुद से कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।